दिल है और कितने गम है, टूटे हुए अंदर से हम हैं, किससे पूछें कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है, एक पल कहीं इमा, मैं और सलमान 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। सलमान क्यों जा रहे हैं? भाई मेरी तो वहाँ पे मीटिंग है, लेकिन सलमान का कोई फ़ोटो शूट था तो हमने मिलके ही प्लान कर लिया कि हम साथ चले जाएं। दैट्स गुड। तुम ऐसा करो ना, तुम क्यों नहीं चलती हो हमारे साथ? नो मॉम, मुझे नहीं जाना, और वैसे भी मुझे आप लोगों की एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चोके बेटा, मैं तो तुम्हारी वजह से कह रही थी, तुम अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी, बोर हो जाओगी। डोंट वरी मॉम, आप मेरी फिक्र ना करें। इट्स ओके, बट नो लेट नाइट गैदरिंग्स, समझ रही हो ना मेरी बात? मॉम, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, ठीक है ना? आई नो माई लव, लेकिन बस मैं तुम्हारी वजह से कह रही हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। वैसे मैं कुछ दिन से फील कर रही हूँ कि तुम और सलमान एक दूसरे से कुछ खिंचे खिंचे से रहते हो, स्पेशली जब से तुम दोनों की एंगेजमेंट हुई है। मैंने आपको कितनी मर्तबा बोला है कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी? ईमा बेटा, क्या बात है, मुझे बताओ। यू कैन शेयर एवरीथिंग विद मी, बताओ क्या बात है। ये सवाल आपको मुझसे नहीं, सलमान से करना चाहिए। बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। बताओ मुझे, तुम सलमान के साथ रहना चाहती हो या नहीं? मैं तो चाहती हूँ मॉम, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि सलमान नहीं रहना चाहता। बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। देखो, अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो वो तुमसे एंगेजमेंट क्यों करता? वो मना भी कर सकता था, उसने अपनी मर्जी से एंगेजमेंट की है, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया इसके लिए। मुझे नहीं पता क्या मसला है, लेकिन वो बहुत चेंज हो गया है, मुझे बहुत फील होता है अब मॉम। Then re-counsel, बेटा। देखो, अगर रिश्तों में गैप आ जाए ना, तो उस गैप को फिल करना चाहिए। इस तरह वो रिश्ते जिन्हें हम चाहते हैं वो टूट जाते हैं, और रिश्तों के बीच में अना नहीं आनी चाहिए, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। और बेटा, जिनको हम चाहते हैं ना, उन रिश्तों को अना के खातिर नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ के मना लेना चाहिए। समझ गई ना तुम? That's like a good baby. Hmm.
लाहबा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं कहा हॉस्पिटल में। तुम हॉस्पिटल में हो? भाई ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी अम्मी आई हुई थी और वक्त पे तुम्हें हॉस्पिटल लेके आ गए। मतलब तुमने तो अपनी बस सीट बुक करा ली थी। अम्मी, अम्मी कहाँ है? उसको मैंने भिजवा दिया घर। हम घर कब जाएंगे? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, आज रात तो तुम्हें यहीं रहना होगा। डॉक्टरों ने कुछ टेस्टिंग करनी है तुम्हारी, बस ऐसे ही बिल बनाने के चक्कर में ये लोग। हॉस्पिटल में रहने से मुझे घबराहट होती है। भाई मजबूरी है, क्या करें, फिलहाल तुम यहाँ आराम करो, मैं यहीं पर हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। देर के बाद यश्मी आ जाएगी रात रुकने के लिए, यहाँ मैं निकल जाऊंगा, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, ऐसी क्या तकलीफ थी कि मुझे बगैर बताए तुम घर से निकल पड़ी? हालत मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। भाई यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तकलीफ थी तुझे कि तुम 3 दिन से घर पे नहीं हो और तुम्हारी बहन बता रही है कि तुम घर पर हो। मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है तुम दोनों बहनें मुझसे कोई गेम खेल रही हो। नहीं, मैं आपको बताने ही वाली थी कि डॉक्टर ऑपरेशन। ओहो, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। भाई बात सुनो, ये बकवास बंद करो अब, और आइंदा अगर तुमने ऑपरेशन के लिए सोचा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे बच्चा चाहिए और हर कीमत पे बच्चा चाहिए, वो भी तुमसे, और जल्दी। ये बात समझ लो सही तरीके से और अपनी खोपड़ी में बिठा दो, समझी? Excuse me. ये ले, आपकी दवाई। किसने कहा था आपको दवाई लाने के लिए? ये 5 दिनों की दवाइयां हैं, डॉक्टर ने कंटिन्यू करने को कहा, इसलिए ये। मुझे नहीं खानी कोई दवाई, आप इसे ले जाएं तो बेहतर होगा। ये कैसी जिद है आपकी? ये दवाइयां लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ और मेरे शोहर कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया ये फैसला करने का? और प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, अभी किसी ने देख लिया तो नया मसला खड़ा हो जाएगा। इस वक्त घर पे कोई भी नहीं है, इसलिए मैं प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाएं। ठीक है, फिर आप दुआ करें कि मैं इतना बेहिस हो जाऊं कि मुझे आपकी फिक्र ना हो। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना, तो उनके साथ भी मैं ऐसा ही करता। लैबा, आप मेरी इंटेंशंस को बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मेरे दिलो दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही हैं और जिसे सोच के आप मुझसे अनकंफर्टेबल फील करें। समझ रही आप मेरी बात? लैबा, सिर्फ आपको इतना करना है कि खुद के लिए लड़ना सीखें और अपने हक के लिए बोलना सीखें, फिर मैं आपकी बहन को आपसे बिल्कुल हमदर्दी नहीं होगी, ट्रस्ट मी। प्लीज लैबा, आप अपना ख्याल रखें, अपने लिए ना सही, उन लोगों के लिए जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए। मैंने अपने शौहर को धोखा दिया है, बड़ा झूठ बोला है उनसे, और उनकी बगैर इजाजत के इतना बड़ा कदम उठा लिया मैंने। लैबा, आपने कोई गुनाह नहीं किया और ना ही किसी को धोखा दिया, आप गलत क्यों सोच रही हैं? नहीं, ये सच है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था। लैबा प्लीज, आप खुद को संभालें। आप मुझे छोड़ देंगे अगर उन्हें पता लगा तो? आप प्लीज इस खौफ को अपने दिमाग से निकाल दें, ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी जाता है तो सब चीजों को मैं ही फेस करूं, आई प्रॉमिस। प्लीज अपना ख्याल रखें,
प्लीज आप ये दवाइयां वक्त पे ले लीजिएगा प्लीज। चश्मिया आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है, सुबह देख लेना। नहीं, एक दिन में ही ना नौकरी हाथ से निकल जाती है, और इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनकी कल की डेट है, आज रात को काम तो करना पड़े। अच्छा ठीक है, ये लो दूध पी लो, इसमें मैंने पिस्ते बादाम डाले हैं और तुम्हें पसंद भी है ना। क्या हुआ, क्या जरूरत थी आप? आपका अपना घर है क्या? नहीं ना, तो फिर किसी को पता चल जाए 2 मिनट नहीं लगाएंगे बेइज्जती करने में। रश्मि मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी, इतनी छोटी सी बात है, और वैसे भी इन लोगों के घरों में चीजें आती हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते ये लोग, इसलिए मैंने सोचा। ये छोटी सी बात जो है ना, इन अमीरों के लिए बहुत बड़ी होती है। चीज रखी हुई फेंक देंगे लेकिन किसी के काम आ जाए हरगिज नहीं, ये इनको गवारा नहीं होती। इसलिए मुझे इन लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं पीना, ले जाए इसे यहाँ से। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। अम्मी अगर सोचूंगी नहीं तो अपनी मंजिल कैसे पाऊंगी मैं? सुनी दुआ करें नौकरी मिल जाए ना एक दफा, फिर ऐश होंगे। इंशाल्लाह बेटा बहुत जल्द तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और बेगम साहिबा ने आपसे दोबारा बदतमीजी तो नहीं की? बेगम साहिबा ने? नहीं भाई, बेचारी ने तो कभी भी मुझसे बदतमीजी नहीं की, बल्कि तो बहुत इज्जत से पेश आती है। ईमा के बारे में कह रही हूँ, यहाँ की असल बेगम साहिबा तो वही है ना। नहीं बेटा, वो बच्ची है और जिद्दी है थोड़ी, पर बुरी नहीं है। अच्छा बस मेरा मूड मत खराब करें, पता नहीं। अच्छा पहले दूध पियो, चलो ये लो। नहीं पीना ना। चल भाई मत पियो। हेलो लाइबा, लाइबा कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? लाइबा कुछ बोल तो नहीं रही? सब ठीक है? खालिद भाई ने कुछ कहा है? मेरी जान तुम रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है ना? जरूर खालिद भाई ने कुछ कहा है ना? लाइबा तुम मुझे डरा रही हो। देखो एक काम करो, फोन रखो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं नहीं मैं आप ही अभी बताइएगा प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी जान नहीं आ रही, लेकिन बताओ तो सही। क्या बताऊँ, ये बताओ कि मैं ठीक हूँ, ये बताओ कि खालिद को कुछ नहीं पता? या फिर ये कि उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है? क्या अगर मैंने ऑपरेशन करवाया तो वो मुझे जान से मार देंगे? और उन्होंने कहा है कि उन्हें बच्चे चाहिए जल्दी और सिर्फ मुझसे। बाप क्या हो गया, संभालो खुद को। कैसे संभालूं अभी? मैंने तो वो उम्मीद ही खत्म कर दी
जो इसकी इन्होंने मुझसे उम्मीद की थी। राहिबा आहिस्ता बोलो, देखो खालिद भाई को अभी कुछ भी नहीं पता। बता देंगे हम उन्हें, बस एक दफा तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल नहीं। इतना बड़ा सच उनसे कैसे छुपा सकती हूँ, वो शौहर है मेरे। राहिबा बात समझने की कोशिश करो, ये करना जरूरी था। और जहां तक बात रही उन्हें बताने की, तो हम बता देंगे ना, फिलहाल बस तुम चुप रहो। आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल जाएगा। अभी कैसे सामना करूंगी उनका? आप ही, आप जो भी कहें, मैंने बहुत गलत किया है उनके साथ, मैंने बिल्कुल ठीक नहीं किया। हेलो। क्यों, मैं इस टाइम पे कॉल नहीं कर सकता क्या? तुमने इतनी लेट नाइट कॉल किया तो मैं थोड़ा हैरान हो रही थी। हाँ, लेकिन इस शहर में लोग इतनी जल्दी नहीं सोते। अच्छा बाबा, तुम जी खुश? बहुत खुश, क्योंकि तुमसे जीतने का मजा ही कुछ और। अच्छा क्यों भाई? क्योंकि तुम बहुत जल्दी हार नहीं मानती हो, इसलिए। ये तो है, इसका मतलब तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जान चुके हो। कोई शक? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, फोन क्यों किया था? क्यों मैं फोन नहीं कर सकता? एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया है कि तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि तुमसे मुझे ट्रीट लेनी है। ओहो भाई, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मिल जाएगी ट्रीट? अच्छा ऐसा करते हैं, कल मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। बिल्कुल नहीं, ट्रीट मैंने देनी थी ना, तो तुम कहां से बीच में कूद पड़े? ट्रीट पहले मैं दूंगी। बहुत जिद्दी हो तुम, कभी नहीं मानती हो किसी की बात। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम पहले इंसान हो जो मुझे ये बता रहा है? नहीं। अच्छा सुनो, कल मेरी ना एक दो इंटरव्यूज लाइंड अप हैं, तो मैं तो दिन में वहीं बिजी होंगी। परसों लंच पर चलें? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी जान छूट गई है। ट्रीट मैं तुमसे लेके ही रहूंगा, एट एनी कॉस्ट। हाँ चलो, ओके, बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। ठीक है, कहाँ भाग गया? किससे बात कर रहे थे? दोस्त। कौन दोस्त? ये तुम मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया सलमान? मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ। तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? क्या हो गया सलमान? मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ, तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तुम्हें अगर नहीं बताना तो मत बताओ। वो मॉम कह रही थी कि तुम परसों जा रहे हो। हाँ। वो चाह रही थी कि मैं भी साथ चलूँ, अगर तुम कहते हो तो। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे बहुत बिजी रहूँगा, तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगा, बोर होती रहोगी तुम, इसलिए। Got it. क्या? यही कि तुम नहीं चाहते कि मैं साथ चलूँ? तो ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर हम कहीं साथ चले जाएंगे। ओके। वैसे मैं देख रही हूँ सलमान, तुम्हें अब मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली काम का काफी प्रेशर है।
ऊपर से ये ट्रैवलिंग एंड फिर मैगजीन लॉन्च भी है. दैट्स इट. चलो चलो. आपने मुझे बुलाया. आज रात मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, थोड़ा खाने का इंतजाम कर लेना. ठीक है. कितने अफराद आ रहे हैं? होंगे 7-8. अच्छा सुनो, साथ साथ स्नैक्स वगैरह भी कर लेना, वो लेट नाइट तक रुके. आप बेफिक्र हो जाए, सब अच्छे से कर दूंगी. अच्छा हाँ, वो मैडम का फोन आया था, वो कह रही है मैं कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन आप फोन नहीं उठा रही है. सो रही थी मैं, कर लूंगी कॉल. तुम जाओ नाश्ता लेकर आओ मेरा. क्या हुआ? कुछ नहीं. तो जाओ नाश्ता लेकर आओ ना, मेरी शक्ल देख रही हो. सारा मूड खराब कर दिया. हेलो, आ रही हो ना शाम में? यार टाइम काफी हो गया है और मेरे ख्याल से पार्टी खत्म करनी चाहिए. क्या ख्याल है? एग्री? हाँ चलो फिर चलते हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. चलो. यार तुम नहीं चल रहे? नहीं यार, मुझे जरा ईमा से काम है. तुम निकलो, मिलता हूँ मैं. ठीक है ओके. चलो. कहाँ गए सारे? सब लेट हो रहे थे, चले गए वो. तो तुम नहीं जा रहे? नहीं यार, मैं थोड़ा टाइम जो है यहीं रुकूंगा. यहीं रुकूंगा? प्लीज तुम भी चले जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है.
मतलब ये कि मैं चाहता हूं थोड़ा तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड करूं। What do you mean? टाइम स्पेंड करूं? पूरा दिन तो साथ थे, और कितना टाइम स्पेंड करना है तुमने? मैं तो सोच रहा हूं आज यहीं रुक जाता हूं। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, मैं वैसे ही बहुत थक गई हूं, मुझे नींद भी आ रही है। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तुम्हारे घर वाले नहीं है, मैं कल सुबह चला जाऊंगा। इट्स नॉट फनी, ओके? बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। कम ऑन यार, तुम्हारे मुंह से ये धक्यानुसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हर वक्त तुम मेरे साथ रहती हो, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? ओके ओके, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। ओके ओके, अच्छा बाबा चला जाऊंगा, खुश। चलो अभी। प्लीज बदतमीजी बंद करो तुम अपनी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार प्लीज तुम जाओ। चला जाऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है? प्लीज गेट आउट, जाओ यहां से। बस करो यार, तुम्हारी मॉम भी नहीं है और वो तुम्हारा स्टूपिड कजन, इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं कहती हूं जाओ यहां से। ज्यादा ड्रामे ना करो तुम मेरे सामने, समझ में आई? तुम भी तो यही चाहती हो ना, मंगेतर के होते हुए मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करती हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती, बच्चा हूं मैं? Shut up! तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो और इस बात का अंदाजा मुझे ना आज हुआ। मेरा हाथ छोड़ो। ना छोड़ूं तो? तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा कर सकती हूं। तुम कर भी क्या सकती हो? आज कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे बचाए। मैं चिल्लाऊंगी। कोई फायदा नहीं, जितना चाहे चीखो चिल्लाओ, आज कोई सुनने वाला नहीं तुम्हें यहां पे। मैं कहती हूं मेरा हाथ छोड़ो। सारे लोग तो चले गए, लड़कियां लड़के। नहीं छोड़ूंगा। आज किसकी है? कम ऑन ईमा, ये क्या तुम क्या क्या मिडिल क्लास लड़कियों वाली बातें कर रही हो? ईमा समझो। मैं कहती हूं मेरा हाथ छोड़ो। या अल्लाह खैर, ये तो ईमा की आवाज है। हिमा, आज हिमा, हिमा क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम होती कौन हो मुझे इस तरह कहने वाली? बताऊँ तुम्हें अभी? जाते हो या चौकीदार को बुला के तुम्हारी पिटाई करवाऊँ? तुम्हारी इन धमकियों में नहीं आऊंगा मैं, समझ आई? Shut up and get out। निकलो यहाँ से।
फौरन निकलो वरना चौकीदार को बुला के ना तुम्हारी छुट्टी करवाऊंगी। निकलो। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, मगर तुम दोनों को देख लूंगा मैं। ईमा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निकलो यहाँ से। तुम इधर आओ। ठीक तो ना? आप प्लीज मुझे अकेला नहीं छोड़िए। आप बेफिक्र हो जाए, वो चला गया है। मैं बाहर का गेट देख कर आ जाऊँ, आप आराम करें, आती हूँ मैं।